हम वीडियो जब बनाते तो उसमें व्यूज आए या मत आए, व्यूज इतने मेहनत से थंबनेल बनाते हैं फिर भी उसमें व्यूज इतने कम आते हैं, तो फिर ना थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो देखो, अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं, है ना, तो इसको कैसे लें? इसका आंसर मैं चाहती हूँ शशि से आपसे। देखिए, सबसे पहले पहली बात तो यह है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यह नहीं सोचना है कि व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे पहली बात तो है आप अपनी कमी को देखें कि मैं अब जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ वो सही ढंग से हो रहा है। जैसे कि मैं कैमरा के सामने जो बैठ बैठ करके बातें करना, ये बहुत ही आसान काम तो नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका प्रैक्टिस नहीं। अगर आप इसका प्रैक्टिस डेली शुरू करेंगे, परफेक्शन पे नहीं जाइए, व्यूज पर नहीं जाइए शुरुआती में। आप इसलिए बताया जाता है कि आप जो कंटेंट बनाएंगे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। प्रोडक्ट से रिलेटेड में ये होता है कि उसकी जानकारी आपको मिल जाती है और उसको लोग जानना चाहता है उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और बाकी टॉपिक्स बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली जो है प्रोडक्ट्स का वीडियो इसलिए बनाने बनाने की जरूरत होती है कि आप उसमें जो है कम शब्दों में उसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आप कैमरा के सामने स्टेबल कैसे रहें, अपने आप को, मतलब जो एक्सप्रेस करना है, जो बोलना है वो भूल जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। और रिजल्ट तो मिलेगा ही, रिजल्ट जो है 100% मिलता ही है। जो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो अच्छा चीज होगा लोग देखेंगे ही। इतने सारे लोग इंडिया में, इतने लोग हैं, बाहर के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यूज नहीं मिलेगा। व्यूज जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो अलग है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप जो टाइटल लिखते हो, आप जो और जो कीवर्ड्स है उसका जो आप प्रयोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको जो है दिमाग खुलेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में आप 50 वीडियो ही डाल दिए तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि आप जैसे जैसे आप मतलब बनाते चले जाएंगे, आपका जो है व्यूज भी बढ़ेगा। और आप उस केस में आप दूसरे लोगों को देखिए जो पहले से बना रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में उनके साथ क्या हुआ, उनका भी वीडियो आप देखेंगे तो इनिशियली आपको लगेगा कि उनको ज्यादा व्यूज नहीं आता था, तो धीरे धीरे आने लगा। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही जो है, जो अभी रिसेंटली जो आप ही के टीम में जो इनका वीडियो वायरल हुआ, स्नेहा जी का या पूजा जी का, तो उन लोगों का आप देखिएगा चैनल, तो उसमें लगा कि जो शुरुआत में उनको भी ऐसे ही व्यूज आता था। तो व्यूज के लिए आप निराश मत होइए, आप कंटेंट बनाते रहिए। इनिशियली डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाइए, इनिशियली जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बाद जो है FLP से रिलेटेड, जो है उसका पॉलिसी है, प्लान है क्या, 2CC है, कैसे करते हैं, तो ये सब वीडियो जो है लोग देखते ही हैं। और इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा। इतना आप लेकर के चलिए कि हम पॉजिटिव रहेंगे तो रिजल्ट आएगा, बिल्कुल इस बिल्कुल, ये पर बहुत ध्यान अच्छा। दीजिए। सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल हाँ, करेक्ट, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखिएगा और कंसिस्टेंट एफर्ट डालिएगा, तो निश्चित रूप से, जैसे अभी और सौरभ जी हैं मैं भी कुछ बोलना बना रहे हैं चाहती हूँ अच्छी वीडियो। जी बोलिए। जी। ये चीज जो भी बोल रही बता रही है कि व्यूज नहीं आ रहे थे, इसमें टाइटल बहुत मायने रखता है। पहले तो हमारा करेक्ट, टाइटल एलिजिबल होना चाहिए, दूसरी बात हमारे हम जो टैग लगाते हैं तो वो टैग बिल्कुल सही टैग लगाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, तो उस टॉपिक पे हम टैग लगाते ही नहीं, उल्टे ही टैग लगा देते हैं, तो वो दो बात हमें ध्यान में रखना है। तीसरी बात है कि हमें वीडियो एक ही टाइम पे, मतलब कोई फिक्स टाइम रखना है, जैसे कि 3 बजे अपलोड करते हैं तो कंटिन्यू रोज 3 बजे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आज 10 बजे कर लिया फिर 2 बजे कर लिया। अगर हम टाइम पे रोज एक ही टाइम पे करेंगे ना तो रिजल्ट आएगा इसमें।